सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, वंदे मातरम। आजादी की अमृत गाथा के इस 40वें अंक में RJS TJPS KBS परिवार सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, तथा इस परिवार की ओर से महान साहित्यकार, उपन्यासकार, समाजसेवी शख्सियत महाश्वेता देवी जी को उनके जन्मदिन 14 जनवरी के अवसर पर सत सत नमन करती हूँ, साथ ही आत्मिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ। महान व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने देश और साहित्यिक दुनिया को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली महान हस्ती महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1956 ईस्वी को अविभाजित भारत ढाका बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता मनीष घटक एक कवि और उपन्यासकार थे और उनकी माता सामाजिक कार्यकर्ता थी। साहित्य और समाज सेवा उनको विरासत में ही मिली थी। महाश्वेता देवी में साहित्यकार और समाज की समझ अपने परिवार में संस्कारों के रूप में ही पाई। अपनी स्कूली शिक्षा ढाका में पूर्ण करने के बाद उन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन से अंग्रेजी में BA ऑनर्स और इसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में ही स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। तदुपरांत एक शिक्षिका के रूप में और पत्रकार के रूप में अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत की। बाद में वो कोलकाता विश्वविद्यालय में व्याख्याता भी रहीं। 1984 में उन्होंने अपना पूरा ध्यान लेखन और लेखन पर केंद्रित करते हुए सेवानिवृत्ति ले ली। काफ़ी कम उम्र में लेखन की शुरुआत करने वाली महाश्वेता देवी ने अपने साहित्यिक सफर के दौरान कई पत्र पत्रिकाओं में लघु कथाएँ लिखीं और बाद में उपन्यास की रचना भी की। उनका पहला उपन्यास नाती था, हालांकि 1956 ईस्वी में प्रकाशित झांसी की रानी इनकी प्रथम रचना थी। महाश्वेता देवी ने लेखन की मूल विद्या कविता थी। महाश्वेता देवी की मूल विधा कविता थी जो बाद में कहानी और उपन्यास में बदल गया। महाश्वेता देवी की रचनाओं में वंचित तबकों के स्वर बहुत प्रभावी ढंग से उभरे हैं। उनकी कई रचनाओं पर फिल्में भी बनी हुई हैं। उनके उपन्यास रुदाली और 1084 की माँ पर कल्पना लाजमी और गोविंद निहलानी ने फिल्में भी बनाई थी। उनकी रचनाओं में जीवंतता होती थी, रचना के पात्रों को जीकर कलम चलाती थी। महाश्वेता देवी ताउम्र लेखन एवं संघर्ष उनके लिए किया जो अपनी पहचान के लिए जूझ रहे थे। वह वंचितों, शोषितों, खासकर आदिवासी समाज के लिए कलम को खास आयाम दिया। प्रतिष्ठित नारीवादी लेखिका का जीवन अपने आप में नारीवाद का मिसाल बना। वह बड़ी साहित्यकार थी, शिक्षक भी, समाजसेवी भी। उनको किसी एक खांचे में रखकर या अलग करना मुश्किल है। वह माँ थी, एक दो की नहीं, 1084 की माँ, अनगिनत की माँ थी। उनके लिए साहित्य, समाज और सेवा सर्वोपरि रही। शिक्षा तो विरासत में ही मिली थी, यह उनका सौभाग्य ही था कि महान दार्शनिक साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर का सानिध्य और आशीर्वाद भी उन्हें मिला। अपने जीवन काल में ज्ञानपीठ, पद्मभूषण, साहित्य अकादमी एवं अन्य सम्मानीय पुरस्कार से सम्मानित महाश्वेता देवी बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कई कीर्तिमान स्थापित कर अपने जीवन में कई अलग अलग किरदार निभाए।
समर्पण के साथ साहित्य और समाज की सेवा की, खासकर आदिवासियों के हित में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जीवन भर किए गए अपने सृजन और सदकार्यों की महक को दुनिया में बिखेर कर 90 सालों तक साहित्य और समाज की सेवा करते हुए, जीवन के झंझावातों से जूझते हुए जीवन का अंतिम सांस किडनी फेल होने की वजह से 28 जुलाई 2016 को सदा सदा के लिए हम सबों से अलविदा कह दी। इनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। इस महान हस्ती को आरजेएस परिवार की ओर से सत सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए, ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।